जगत महान न्यूज की टीम अपने कार्यक्रम विकास की ग्राउंड रिपोर्ट के तहत आज पहुंची सोनीपत हल्के के दयाबस्ती क्षेत्र में। यहां पर रहने वाले लोगों की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे यहां के लोग नर्क से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते इसका जिम्मेदार कोई नेता या कोई अधिकारी है, लेकिन यहाँ के लोग ऐसी जगह जिंदगी जी रहे हैं जहाँ नालियाँ ओवरफ्लो हैं और कहीं पर गली ही नाली बन चुकी है। यहाँ पर बिजली के तार जमीन को छूने के लिए बेकार है। लोगों के घरों में शौचालय के नाम पर खुले में गड्ढे बनाए गए हैं। घरों की टूटी छतों से सूरज की रोशनी साफ दिखाई देती है। यहाँ पर रहने वाले नागरिकों ने बताया कि हमारे यहाँ मौजूदा विधायक के अलावा बहुत से नेता आए और आश्वासन देकर चले गए, लेकिन किसी ने भी हमारी समस्याओं का हल नहीं किया। आज हम यहाँ पर नर्क के जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। हमारे यहाँ ना तो बिजली आती है, ना ही हमारे यहाँ सीवर है और ना ही हमारे घरों में शौचालय है, जिसके कारण महिलाओं को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, जिसे मन चलो की फप्पियों का भी सामना करना पड़ता है। चारों ओर गंदगी के कारण बीमारियां फैल रही हैं। हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जगत महान न्यूज की टीम लगातार आपको हरियाणा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के सर्वे दिखाती आई है। आज हमारी टीम पहुंची है हरियाणा के सोनीपत विधानसभा क्षेत्र में। आई है हम यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में जानते हैं, यहाँ के जमीनी हालात का सर्वे करते हैं। आइए हम यहाँ के नागरिकों से जानते हैं कि यहाँ की किस प्रकार की समस्याएं हैं और किस प्रकार से सरकार ने क्या इन लोगों के लिए कोई काम किए हैं, क्या विकास कार्य किए हैं। माता जी आपका नाम क्या है? गज्जन। आपके इस क्षेत्र के अंदर कोई विधायक या कुछ नहीं है जी? हमारा हम तो बहुत परेशान है। क्या परेशानी? परेशानी है लैट्रिन बाथरूम नहीं है हमारे, ये नाली नहीं है, शिविर नहीं है हमारे, पानी नहीं आता टेम पे, ये हमारी इतनी दुखती है बहुत ज्यादा। सबको वोट देते हैं हम, कोई कुछ नहीं करता हमारा। क्या समस्याएं आप लोग? समस्या यहाँ की है सर जी, नारियल यहाँ फूटा, लड्डू यहाँ बांटे और खड़ंजे बना का शिविर गेर के वोट लेने के हमारे इतनी वोट गेरते गेरते हमारे पता नहीं कितनी प्रणाली खत्म होली, पर हमारा कुछ नहीं बनाते। देखे यो मंदिर आध में पड़े हमारा। क्या नाम है आपका? मिंद्रो। आपके एरिया में क्या समस्याएं हैं? यहाँ तो कुछ भी सुधार नहीं है। किस प्रकार की क्या पानी की समस्या है? पानी की भी समस्या है यहाँ, लेटरिन बाथरूम की समस्या है, सीवर नहीं है यहाँ, नालियों में देखो डंगा हमारे। स्थानीय विधायक से मिले थे आप कभी? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ तो। जाते हैं जरूर, फिर हमारा सुधार नहीं करता कोई भी यहाँ। हमारे लिए तो सरकार ने कुछ भी नहीं करा। तो ये छोटा बच्चा आप लिए घूम रहे हैं तो आपके इस क्षेत्र में? हम तो बहुत परेशान हो रहे, बहुत बीमार बीमार हो रहे ये बच्चे हमारे। लेट यहाँ पे नहीं है, पानी यहाँ पे नहीं है, ना लेटरिन है ना बाथरूम है, हम तो बहुत परेशान। इसी भर की परेशानी है हमारी, माता बहने लड़कियाँ सब लाइन पे जाते हैं, बहुत परेशानी होती है, हम अच्छे बुरे आदमी छुपे बैठे रहते हैं। सरकार कहती है कि यहाँ पर पूरे प्रदेश में शौचालय बनाए गए हैं, गरीबों के घरों में शौचालय बनाए गए। पूरा पैसा नहीं मिला जी, ना हमारे को मिला, नहीं बने। पूरा पैसा नहीं मिला या आपके यहाँ बने ही नहीं? बने ही नहीं, बने ही नहीं। कभी आप लोकल विधायक के पास गए और उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? गए थे जी वहाँ पे, तो क्या कहा? सुविधा नहीं हुई जी, कुछ नहीं, बोलते हो जाएगी जी, फिर होते नहीं जी कुछ। तो देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार के हालात यहाँ के दया बस्ती में हैं, देखने को मिले हैं। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ की परेशानियों से किसी भी प्रकार से उन्हें निजात नहीं मिली है। ये ग्राउंड रिपोर्ट दया बस्ती सोनीपत हल्के की है। दया बस्ती में पहुँचे जजपा के जिला उपाध्यक्ष अमित बिंदल ने दया बस्ती के हालात का जायजा लेने के बाद जगत महान की टीम से बात करते हुए कहा है कि भाजपा के विकास के जुमले की सच्चाई देखना है तो सोनीपत हल्के में आकर देखें। उन्होंने कहा कि जजपा की सरकार आने पर दया बस्ती की समस्याओं का हल प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार से हमने हल्का सोनीपत के दया बस्ती के हालात का निरंतर सर्वे किया है और यहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट हमने देखी है। यहाँ के हालात हमने इन लोगों के जुबानी सुने हैं। सोनीपत हल्के से चुनाव लड़ने की तैयारी में है अमित बिंदल जी, जजपा पार्टी से हैं, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ के हालात लोगों के देखे हैं तो वो किस प्रकार का आश्वासन लोगों को दे रहे हैं, आइए जानते हैं उनसे। अमित जी, आप जिस प्रकार से इस दया बस्ती के क्षेत्र में आए हैं तो आपने यहाँ के हालात देखे हैं, उससे पहले हम यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट हम जांच कर रहे थे, देख रहे थे यहाँ के हालात, हमने भी देखे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इन हालात पर? सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ आपका और आपकी वीडियो चैनल का जी, आपने भी देखा और मैंने भी देखा। जो ये जोर शोर से बोल रहे थे बीजेपी वाले, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, यहाँ हालत खस्ता नहीं, बहुत खस्ता है। एक बार वो जैन साहब यहाँ पे आके देखे तो सही, यहाँ पे आके पानी पिए देखे तो सही, एक बार यहाँ के नहा के देखे, एक बार शौचालय यहाँ पे आके देखे ना, एक बार आपने भी देखा होगा, यहाँ पे कोई शौचालय नहीं, नहाने की व्यवस्था नहीं। वो माताएं बहनें बेचारी
वहाँ पे जो है रेलवे ट्रैक पे जाके जाती हैं, लाइनों पे जाती हैं। देखो मैं तो एक वादा करता हूँ पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से भी, अब की बार सरकार आएगी वो तो फैसला करेगा वक्त, लेकिन मैं बनूँ या ना बनूँ इन सब के लिए लड़ूंगा और आगे लड़ता रहूँगा। जब तक समस्याओं का समाधान नहीं करा दूं मैं लड़ूंगा इनके साथ। मैं आज आपसे जानना चाहते हैं किस प्रकार की तैयारियां आप सोनीपत विधानसभा क्षेत्र के लिए देखते हैं और क्या आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं एक देना चाहूँगा अपने साथियों को, माताओं बहनों को, अब की बार जागरूक हो जाओ। आने वाले 5 साल का भविष्य अगर आपको बढ़िया चाहिए तो अपने दिमाग से सोच समझ के डिसीजन लो। तो दर्शकों ये थे जजपा पार्टी के सोनीपत से अधिकृत प्रत्याशी होने वाले अमित बिंदल, जो इस दया बस्ती के लोगों को पूरा आश्वस्त करते हैं, यहाँ की समस्याओं को दूर करने की बात करते हैं और दूसरे नेताओं की तरह सिर्फ भरोसा ना देने की बात करते हैं। देखने में यह आएगा कि चुनाव में इनको जीत मिलती है और उसके बाद ये इस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को कितना दूर कर पाते हैं। कैमरामैन सचिन के साथ तेजवीर सिंह, दया बस्ती, सोनीपत। नमस्कार।